हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे गाउट के बारे में। तो गाउट बेसिकली तुम पढ़ाए हो गए यार, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट का जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, गाउटी अर्थराइटिस, वहाँ पे यूसीएम यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा, टोफाई बन जाएगा और उसी कारण से गाउट होता है। ये बेसिक आइडिया तुम्हें पता ही है यार, तुम गाउट और तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। अपने सर तुमने अपनी क्लास 11 12th में भी पढ़ा होगा गाउट को, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। गाउट गाउट इज़ ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कॉज बाई डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट। बेसिकली ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और यहाँ पे किसका डिपोजिशन होता है, मोनोसोडियम यूरेट का, क्रिस्टल्स का ही डिपॉजिट होता है मोनोसोडियम यूरेट। बेसिकली यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का यहाँ डिफेक्ट होता है, तो इसी कारण से बहुत चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। इसके पैथोफिजियोलॉजी में आगे बात करूँगा, राइट। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसका डिस्पोजिशन हुआ मोनोसोडियम यूरेट का। मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स इन एंड अराउंड साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स के इन एंड अराउंड डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है ना, और इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, ठीक है ना। तो मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल इन एंड अराउंड जॉइंट साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा और जाए तो सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ, देखो क्या है बेसिकली, इट इज़ इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज बाई डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट और मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स इन एंड अराउंड साइनोवियल जॉइंट। तो मोनोसोडियम यूरेट और मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स का इन एंड अराउंड साइनोवियल जॉइंट डिपोजिशन होगा और क्या होगा, सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, तुम लोग जानते हो बायोकेमिस्ट्री वाला, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री वाली चीज़ है। डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस हुआ तो इससे क्या बनता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से प्यूरिन बेसिस बनते हैं, प्यूरिन बनता है, ठीक है, प्यूरिन बनता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से प्यूरिन बनता है, प्यूरिन से क्या बनेगा, यूरिक एसिड पूल बनेगा। अभी क्या होता है कि डायरेक्ट एक तो टिश्यू न्यूक्लियोटाइड से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन सकता है, एक डायट्री प्यूरिनेज बन सकता है, राइट। तो टिश्यू न्यूक्लियोटाइड से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बना, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से हो सकता है डायट्री प्यूरिनेज बन जाए, और डायट्री प्यूरिनेज क्या कराएगा, यूरिक एसिड पूल कराए कर जब पे जा सकता है। जैसे समझो डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस हो गया, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बना, फिर प्यूरिन बना, फिर क्या होगा, यूरिक एसिड बन जाएगा। जाए वही प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है डायट्री प्यूरिनेज के फॉर्म में चला जाए या टिश्यू न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, और डायट्री प्यूरिनेज से सीधा ये यूरिक एसिड पूल में आ जाए। अभी यूरिक एसिड पूल में जाने के बाद दो चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं, एक तो ये इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन करा दे, इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन का 1/3 पार्ट है, 1/3 हिस्सा है, लेकिन 2/3 मतलब कि ज़्यादातर केसेस में ये क्या कराएगा, रीनल एक्सक्रीशन होगा। तो इसीलिए हम लोग जो होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग रीनल एक्सक्रीशन वाले ड्रग्स पे भी हम लोग भरोसा करते हैं, जैसे ठीक है जो यूरिक एसिड की जो है एक्सक्रीशन को अच्छा करे, ठीक है ना, तो इस पे भी हम लोग भरोसा करते हैं, ठीक। तो क्या बेसिकली होता है कि हाइपोजेंथीन से जो है जेंथीन बनता है, उससे क्या बनता है, यूरिक एसिड, राइट। तो हाइपोजेंथीन से क्या बना, जेंथीन, जेंथीन से क्या बना, यूरिक एसिड। अब हाइपोजेंथीन से जेंथीन किससे बनेगा, जेंथीन ऑक्सीडेज से, और जेंथीन ऑक्सीडेज के कारण से जेंथीन से क्या बनता है, यूरिक एसिड। तो हम लोग अगर मान लो कि जेंथीन ऑक्सीडेज को ही ब्लॉक कर दे तो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एरोक्विनोनोल का एक्शन का, यहीं पे तुम्हें जान लेना चाहिए कि एरोक्विनोनोल से क्या होता है, जेंटिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, तो वही क्या करेगा, तुम्हारा सीरम यूरिक एसिड को बढ़ने से बचाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ रही तुम्हारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल, याद रखना इस चीज़ को, बाकी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। क्रिस्टल डिपॉजिटेड इन जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू टू प्रोड्यूस इररेगुलर नोड्यूल्स कॉल्ड टोफाई। अब क्रिस्टल्स जो है यहाँ पे मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स बेसिकली होते हैं, वही मोनोसोडियम यूरेट या मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल डिपॉजिटेड इन जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू। अभी वो जो क्रिस्टल्स हो गए वो जॉइंट में या जॉइंट टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यू में, जॉइंट में या सॉफ्ट टिश्यू में जाकर डिपॉजिट करके टू प्रोड्यूस इररेगुलर नोड्यूल्स कॉल्ड टोफाई। वहाँ पर क्या बना दिया, इररेगुलर नोड्यूल्स बना दिया, मतलब नोड्यूल्स तो हैं, इररेगुलर नोड्यूल्स हैं, वो क्या करा दिया, जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, क्या बना दिया, तो मैं टोफाई बना दिया, राइट। क्रिस्टल डिपॉजिटेड इन जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू में क्रिस्टल डिपॉजिट हुआ, वो क्या करा दिया, इररेगुलर नोड्यूल, वो क्या बना दिया, टोफाई, ठीक। क्रिस्टल्स जो कि डिपॉजिट कर गया जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू में, राइट। तो ये याद रखना, कॉज क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज इनटेक। अब इनटेक क्या क्या तुम ज़्यादा खा सकते हो, जैसे रेड मीट तुमने ज़्यादा खाया तो उसमें यूरिक एसिड का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, सी फूड जानते ही हो या कि यूरिक एसिड ऑब्वियसली, राइट, प्रोटीन से भरपूर, राइट। सेकंड क्या हो सकता है, रीनल एक्सक्रीशन, वहीं बताया था, 2/3 हिस्सा इसमें क्या होता है कि रीनल एक्सक्रीशन की तरफ जाता है, रीनल एक्सक्रीशन ही खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन हो गया तो रीनल रीअब्सॉर्प्शन जो है ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सक्रीशन कम हो गया, रीनल अब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, रीनल फेलियर के केसेस में भी। अब रीनल फेलियर हो गया तो बंदा एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएगा,
लिड टॉक्सिसिटी हो गई तो उसके केसेस भी नहीं होता है। अल्कोहल, ड्रग, थायजाइड, लूपडायरेटिक्स, लो डोज एस्पिरिन, कुछ ड्रग्स के केसेस में भी जैसे थायजाइड से भी किसी बंदे को थायजाइड चल रहा है, लूप डायरेटिक चल रहा है, तो इसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए हमें। लो डोज एस्पिरिन चल रहा है तो इनकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। अगर आपको गाउट का पेशेंट आ गया आपके पास, ठीक है ना, तो इसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि आपको तो लंबे समय से ये दवाइयाँ नहीं चल रही, क्योंकि ये दवाइयाँ भी क्या कराती हैं, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ तुम्हारा यूरिक एसिड का, तो भी इस बंदे को वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा गाउट के लिए, राइट। तो अल्कोहल और लीड टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, कैसे ओवर प्रोडक्शन, माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज या लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज किसी बंदे को हो गई, राइट। सोरियोसिस के केसेस में, अगर सोरियोसिस की हिस्ट्री है तब भी यहाँ उसको गाउट का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। हाई फ्रक्टोज इनटेक हो सकता है, ग्लूकेगॉन स्टोरेज डिजीज, कोई ग्लूकेगॉन स्टोरेज डिजीज हो गई, हाई फ्रक्टोज इनटेक हो गया, इन केसेस में भी आपको क्या मिल सकता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड मिल सकता है, राइट, ठीक है ना। तो ये बात रही इसकी। अब क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं इसके, देखो एक्यूट मोनोआर्थराइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस 50% केसेज में हैव फर्स्ट मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट, ठीक है, ग्रेड टू बेसिकली इफेक्ट होता है, ग्रेड टू, ठीक है ना। तो हमसे एक बार पूछा गया था कि बताइए कि सब कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो मैंने बोला बिग टू ग्रेड टू, सब ठीक है, चलो ठीक है, वो समझ गया कि क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट है, ठीक है ना, हमने मेटाफेरिंजियल जॉइंट बोल दिया, मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट है, राइट। तो मेटाफेरिंजियल जॉइंट मत बोल देना, मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, टार्सो लगा देना, नहीं लगाओगे दिक्कत हो जाएगा, मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्यूट मोनोआर्थराइटिस में क्या होगा, एर्थराइटिस होगा, 50% केसेस है फर्स्ट मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, ग्रेड टू इज अफेक्टेड, ठीक है ना, एर्थराइटिस होगा, एक्यूट मोनोआर्थराइटिस, ठीक है, ग्रेड टू इफेक्ट होगा। अदर साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, एंकल, मिड फुट, नी, स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड, रिस्ट, एंकल इफेक्ट हो सकता है, रिस्ट इफेक्ट होता है, नी इफेक्ट हो सकता है, स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड एंड फिस्ट, रिस्ट इफेक्ट हो सकता है, रैपिड ऑनसेट होता है, बेसिकली ये अर्ली मॉर्निंग टेंडरनेस दिखाएगा, सुबह उठोगे टेंडरनेस खत्म, स्वेलिंग याद रखना, रेड ओवरलाइंग स्किन, सीड लिमिटिंग टोफाई, इरेगुलर फर्म नोड्यूल्स, टोफाई जो होंगे इरेगुलर फॉर्म नोड्यूल्स होते हैं, बेसिकली क्रिस्टल्स के डिपॉजिट के जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू में, तो इरेगुलर नोड्यूल्स बना लेंगे जो कि है टोफाई तुम्हारे, राइट। रैपिड ऑनसेट होगा, स्वेलिंग होगी, सीड लिमिटिंग होगी, अर्ली मॉर्निंग टेंडरनेस होगी, रेड ओवरलाइंग स्किन होगी, टोफाई बनाएगा। अब देखो इसके इन्वेस्टिगेशन तुम कैसे कैसे कराओगे, जॉइंट एस्पिरेशन फ्लूइड करा दो कि हाँ भाई हमने जॉइंट का एस्पिरेशन किया तो उससे कुछ फ्लूइड्स निकले, तो हमारे क्या क्या वो फ्लूइड्स हो सकते हैं, क्या क्या वो प्रेसिपिटेट करा सकते हैं या मैनिफेस्टेशंस दे सकते हैं, तो क्या करा, क्या क्या मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली देंगे, टर्बिड होगा, चौकी वाइट होगा, सेल काउंट जो है तुम्हारी इंक्रीज कर जाएंगे, जॉइंट एस्पिरेशन फ्लूइड पे तुम्हारे क्या क्या होंगे, टर्बिड, चौकी वाइट, सेल काउंट इंक्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वहाँ इन्फ्लेमेशन है तो प्रोटीनेशियस कंटेंट वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल ज़्यादा मिलेंगे, तो टर्बिड होगा वो, चौकी वाइट हो सकता है, ठीक है, सेल काउंट इंक्रीज करेंगे, नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, मोनो हाइड्रेट क्रिस्टल्स, मैंने बताया ही था आपको, 24 आवर्स यूरिक एसिड इंक्रीज, तुम यूरिन का 24 आवर्स का टेस्ट बनाओगे तो तुम्हें यूरिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। एक्सरे में क्या दिखेगा, मार्टल साइन दिखता है, ये याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको रट लेना। यूएसजी जॉइंट में डबल कॉन्टोर साइन, ठीक है ना, यूएसजी जॉइंट में तुम्हें डबल कॉन्टोर साइन और मार्टल साइन एक्सरे में दिखेगा, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। यूरिन माइक्रोस्कोपी करा लेना, KFT LFT लगा देना। अब ट्रीटमेंट में क्या है, बेसिकली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आइस पैक लगा सकते हो कि स्वेलिंग टेंडरनेस थोड़ा सा कम हो जाए। मेडिकेशन में एक्यूट गाउट में तुम एनसीड्स, कोल्चिसिन और स्टेरॉइड्स दे दो, इंडोमेथासिन जिसमें होता है, और कोल्चिसिन दे सकते हो, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स दे सकते हो। क्रॉनिक गाउट में क्या करेंगे, डिक्रीज कर दो सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, तो उसमें क्या दोगे, फेबिक्सोस्टैट दे सकते हो, एल्यूप्रिनोल दे सकते हो। एक्सक्रीशन बढ़ाना है तो प्रोबेनेसिड दे सकते हो, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो प्लेग्लोटिलेज दे सकते हो। तो मेटाबॉलिज्म के लिए प्लेग्लोटिकेस, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबेनेसिड, और डिक्रीज सिंथेसिस के एल्यूप्रिनोल और फेबिक्सोस्टैट, राइट। और एक्यूट गाउट में एनसीड्स, कोल्चिसिन और स्टेरॉइड्स दे सकते हो। तो ये बात रही तुम्हारी गाउट के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे, मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले